नहीं लिया जाएगा रेस 4 में, किसने दिलाई रेस 3 में बॉबी देओल को जगह, और क्या फिल्म में सलमान खान के अलावा और भी दिग्गज कलाकार दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेस फ्रेंचाइजी की फोर्थ फिल्म जिससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। रेस 4 जहां जल्द आने वाली है, और इस फिल्म में कौन से कलाकार की टोली नजर आ सकती है, इस बात को लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। खबर है कि रेस 3 की असफलता के बावजूद रेस 4 में सलमान खान की वापसी होगी, लेकिन कहानी में है एक नया ट्विस्ट। फिल्म में सलमान की एंट्री तो होगी, साथ ही रेस और रेस 2 को सफल बनाने वाले अभिनेता सैफ अली खान भी फिल्म में कैमियो करेंगे, जहां बहुत समय बाद रेस 3 में नजर आए बॉबी देओल। दरअसल बॉबी देओल को जब फिल्में नहीं मिल रही थी, तब वो इस वजह से डिप्रेशन में चले गए थे और शराब के आदी हो गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें कोई फिल्म मिल जाए, लेकिन कोई भी उन्हें फिल्म देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रेस 3 के बाद बॉबी देओल के प्रति लोगों की सोच बदली, और तभी रेस 3 के बाद हाउसफुल 4, आश्रम, आश्रम 2 जैसी फिल्मों में उनको कास्ट किया गया। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है रेस 3 ने मेरी लाइफ और आसपास के माहौल को एकदम बदल के रख दिया है, और इस फिल्म में उनको कास्ट करने का श्रेय वो सलमान खान को देते हैं। रेस 3 ने बॉबी देओल को एक पहचान दी है, वहीं आने वाली रेस 4 से बॉबी देओल का पत्ता साफ होता दिख रहा है। डायरेक्टर का कहना है कि रेस और रेस 2 के बाद आई रेस 3 जहां उतनी नहीं चल पाई, ऐसे में वापस से बॉबी देओल को फिल्म में लेना मुश्किल साबित हो सकता है। पर हम सब जानते हैं कि सलमान खान भी रेस फ्रेंचाइजी के तीसरे सीक्वल का ही हिस्सा रहे थे, पर रेस 4 में सलमान और सैफ अली खान की जोड़ी को देखा जा सकता है, तो ऐसे में बॉबी देओल को ही फिल्म में न रखने की बात हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर अब भाई ये चकाचौंध भरी इंडस्ट्री के पीछे क्या चलता है, ये तो ये फिल्म स्टार्स ही जाने। आप बस आने वाली रेस 4 फिल्म का लुफ्त उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जल्द रेस 4 हमारे बीच होगी। तब तक के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको रेस 4 से बॉबी देओल को न रखने की वजह जायज लगी या नहीं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हम फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा सितारों से जुड़े एक नई और मजेदार खबर को लेकर।